दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में यहाँ पे अपडेट आपको दे दिया है, जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपडेट बताया जा रहा है। दोस्तों अपडेट कौन सा है, जिससे कि आपको पता होगा कि गूगल के प्ले स्टोर में जो थ्री डॉट आती थी वो उस पर सर्च वाला आइकन आने लगा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि गूगल का जो भी गूगल का प्ले स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ पे गूगल के सारे ऐप आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, गूगल के कहें या कहें और भी बहुत सारे ऐप होते हैं जो सिक्योर ऐप होते हैं, गूगल की हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ आपको गूगल के प्ले स्टोर पर दिए जाते हैं। अब दोस्तों मैं वहाँ पे कुछ अपडेट आए हैं और जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, जैसे थ्री डॉट वाला अपडेट है, और भी अपडेट है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप प्ले स्टोर पे आप अपने मोबाइल में जो भी प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, ये देखो प्ले स्टोर, ये देखो ये गूगल की तरफ से ही दिया जाता है, ये आपके फ़ोन में होता है, इसी में सारे ऐप होते हैं, ठीक है, इसी से हम किसी भी ऐप को या सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड करते हैं और अपने फ़ोन में वर्क करवाते हैं उससे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि गूगल के प्ले स्टोर में जो भी न्यू अपडेट आया 2021 में उसे हम किस तरीके से यूज करेंगे, और जो भी हमारे दोस्त हैं व्यूअर हैं वो जानते नहीं हैं तो उन्हें भी मैं अच्छे से बताऊंगा कि वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को, या कहें कई लोग कहते हैं ये प्रॉब्लम भी है, कई कहते हैं काफी अच्छा अपडेट दिया है गूगल के प्ले स्टोर की तरफ से। तो चलिए दोस्तों बिना समय का वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों जान लीजिए मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बताते हैं दोस्तों। सिंपल से आपको इस तरीके से प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखो सर्च वाला एक आइकन आ जाता है, ठीक है, ये देखो सर्च वाला, पहले ये ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पहले कैसा था, चलिए हम दिखा देते हैं आपको पहले कैसा था। इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो पे जाएंगे, ऐप इन्फो पे जाने के बाद हम सीधा इसे फोर्स स्टॉप करेंगे, ठीक है, फोर्स स्टॉप करने का स्टोरेज यूज़ पे क्लिक करेंगे, क्लियर चेस करेंगे, क्लियर डाटा भी इस तरीके से कर देंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब प्ले स्टोर पे हम टैप करते हैं इस तरीके से तो यहाँ थ्री डॉट नज़र आ जाएंगे आपको, ठीक है, ये थ्री डॉट आपको नज़र आएंगे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि अभी लोडिंग लेगा, ये देखो थ्री डॉट आ चुके हैं, ठीक है, ये देखो हम यहाँ पर टैप करते हैं, ये देखो ये बोल रहा है योर एप्स गेम्स पेमेंट मेथड नोटिफिकेशन एंड अदर्स आर न्यू हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर आप टैप करेंगे इस लोगो पर, ठीक है, इस तरीके से क्या जाएगा। अब आपको घबराने की या कोई जरूरत नहीं, गूगल की सिक्योरिटी के साथ आपको ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप माई ऐप एंड गेम पे क्लिक करेंगे तो आपकी वही माई ऐप गेम वगैरह यहाँ से खोल के आ जाएंगे, ठीक है। अब आप ऐप वगैरह अपडेट करना चाहते हैं तो सीधा यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, ये देखो। और यहाँ पे आपको इंस्टॉल वाले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल वाले मिल जाएंगे, लाइब्रेरी वाले पे क्लिक करेंगे ये लाइब्रेरी वाले मिल जाएंगे, शेयर करेंगे शेयर वाले यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फीचर और यहाँ पे दिया गया है आपको, जैसे आप किसी भी दूसरे फ़ोन से जो कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, लेना चाहते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि शेयर से, ठीक है, तो यहाँ पर सेंड करके रिसीव कर सकते हैं। ये देखो नया ऑप्शन आपको दिया गया है गूगल के प्ले स्टोर में, आप किस तरीके से किसी भी ऐप को शेयर कर सकते हैं या किसी भी ऐप को किस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर सेंड या रिसीव, ठीक है, यहाँ सेंड करना है तो सेंड पर क्लिक करें, यहाँ कन्फर्म पर करना है तो कन्फर्म करेंगे, और ये देखो यहाँ अलाउ कर देना होगा और ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी नहीं करेंगे आपको, मैं केवल वो जानकारी दूंगा जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखो हमने आपको दिखाया है, ये इस तरीके से आपको मिल जाता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर आपको टैप करना है लोगों पे और लाइब्रेरी पे क्लिक कर सकते हैं और सेटिंग में भी आप जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जनरल पे जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं छूटा है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं, जैसे ऑटो अपडेट वगैरह यहाँ पे डोंट पे करके इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको दिए गए हैं। दोस्तों यही थी वीडियो, में आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था कि आप किस तरीके से गूगल के प्ले स्टोर में जो न्यू अपडेट आए हैं उन्हें आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों गूगल के प्ले स्टोर से संबंधित तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगा। मैं मिलता हूँ फिर से एक अच्छी वीडियो लेके, यही कि गूगल के प्ले स्टोर से आप किसी भी आपको किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।